सभी भाइयों को नमस्कार। होप आप सब सही होंगे। आप सबके कमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आज भी एक कमेंट अभी 15 मिनट पहले आया था एक भाई की, डॉक्टर आशीष सर के यहाँ कल सर्जरी हुई है, तो आप सब आशा करता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और इस बीमारी से निजात पाएंगे, फिस्टुला से। कमेंट करते रहा करिए, जैसे भी अपनी हेल्थ के बारे में बताते रहा करिए, इससे दूसरों को भी बहुत हेल्प मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन भी करता है तो आप भी, अगर इन केस मैं नहीं जवाब दे पाता हूँ तो आप लोग भी कमेंट करा करिए, इससे लोगों को मदद मिलती है और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक भाई का कमेंट आया था कि कल एक कमेंट आया था कि उनके दोस्त को भी ये परेशानी थी और उनने 3-4 साल तक ये परेशानी छुपाई, किसी को बताई नहीं। बाद में मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, उनको कैंसर हो गया था। कैंसर किसी भी बीमारी में हो सकता है, मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फिस्टुला में ही होता है। कैंसर किसी भी बीमारी में, एक छोटी सी गांठ भी होती है, ट्यूमर होता है तो वो भी कैंसर बन जाता है। और जरूरी नहीं है हर ट्यूमर ही कैंसर हो, उसी प्रकार की हर फिस्टुला ही कैंसर हो, जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी घबराए नहीं, अपना ध्यान रखें और छुपाने की कोई बात नहीं है। देखिए मैं सरेआम आप सबको वीडियो बना के डालता हूँ, मेरे रिलेटिव देखे, कोई भी देखे, मुझसे उस सबसे मतलब नहीं है। मेरे वीडियो से अगर 1% भी किसी की मदद होती है तो मेरा मानना है कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। शर्माए नहीं, बीमारी बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक शरीर का हिस्सा है, अंग है, हाथ पे भी हो जाता है, वहाँ पे भी हो जाता है, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। कोई गलत काम तो करा नहीं, कोई गलत काम करके हुई है, किसी की भी हो जाती है, बच्चे की भी हो जाती है, किसी की भी हो जाती है, कि बुजुर्ग एज के अंदर आकर भी 60+ एज वालों को भी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर के जवान लड़कों को या जवान जो रहते हैं उनको ही होती है, उन मेल फीमेल किसी को भी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, शर्माने की बात नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है। एक्चुअली क्या ये रेयर बीमारी कह सकते हैं, तो लोग इसका नाम नहीं जानते हैं, इस वजह से थोड़ा घबरा जाते हैं कि हुआ क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया हमने। मेरे को भी इसकी नॉलेज नहीं थी, फिर जब मेरे को पता चला, मैंने भी खूब सर्च करा गूगल पे कि ये बाल तोड़ हो गया है, बाल तोड़, हिप के ऊपर बाल तोड़ होता है उसे क्या कहते हैं, तब जाके फाइनली मुझे जैसे तैसे इसका सर्च रिजल्ट मिला और पता चला कि ये फिस्टुला की डिजीज़ है। तो आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, कमेंट करके बता दीजिए करिए। मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, पता नहीं कब किसके कौन सा वीडियो काम आ जाए। और घबराने की बात नहीं है, जाके सर्जन को दिखाएं, चेकअप कराएं, साफ सुथरा कराना है, सर्जरी कराना है, वो आपकी चॉइस है। इलाज है इसका, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता है, टाइम लगता है, हर कोई सर्जरी सक्सेस नहीं होती है, टाइम लगता है, इसलिए डॉक्टर आशीष सर के यहाँ पे जो है वो सेटिंग्स ज़्यादा बताते हैं। बाकी पुणे के अंदर भी दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 2-3 जगह हैं जहाँ पे गारंटेड इलाज लेते हैं। एक डॉक्टर आशीष बनोट जी दिल्ली के अंदर हैं, एक पुणे के अंदर डॉक्टर अश्विन पोरवाल जी हैं, बाकी शाह सूतर के बहुत सारे जगह पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी करें सोच समझ के, अच्छे से दिखा के उसके बाद डिसीजन लें, और जल्दबाजी में इसका ऑपरेशन ना कराएं कहीं भी जा करके। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे को बैठने में तकलीफ होने लगी, मैं जल्द तुरंत जा करके और यहाँ पे करा लिया ऑपरेशन, लेजर सर्जरी करवाई जो कि विफल रही, रिकरेंस हो गया मेरे दोबारा। अब किस वजह से हुआ ये नहीं है, डॉक्टर की गलती है, बीमारी ऐसी है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक है, तो जो भी बेस्ट टेक्निक है आप वो यूज़ करिए और उसके द्वारा अपना इलाज कराइए। बाकी दोस्तों आप सब दुआ करिएगा, मैं भी जल्द साफ सुथरा कराने वाला हूँ, जल्द आपकी दुआओं से जल्द ठीक हो जाऊँ। और जैसा कि आप सबको पता है ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होएगा मैं सबकी फिस्टुला से जो भी परेशान हैं उन सबकी मदद करूँगा। आपकी इच्छा हो, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो जिसको आप शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे आज 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 400 में मैं इतना खुश हो रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है सर दोस्तों। और 400 सब्सक्राइबर ये मेरी फैमिली है, धीरे धीरे ये बढ़ रही है। बाकी मेरे जो वीडियोज़ पे व्यूज़ हैं वो भी एक वीडियोज़ पे 17,000 व्यूज़ हो चुके हैं क्रॉस, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मेरा काम बस फिनिशिंग के ऊपर है, थोड़ा बहुत काम रह रहा है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मैं काम क्या करता हूँ, तो मैं जल्दी आपको वीडियो बना के डालूंगा मैं काम क्या करता हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे वो मेरी MRI रिपोर्ट पड़ी है, मैं गाड़ी में लेके घूमता रहता हूँ सारे दिन, सारे डॉक्यूमेंट मेरे गाड़ी में ही रहते हैं। भगवान की दया से मैं अभी ठीक हूँ, कोई परेशानी इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। हाँ पस आ रही है, पस के वहाँ पे एक भाई का कमेंट आया था कि बार बार अंडरवियर पस में भर जाती है, दिक्कत आती है। तो मैं ये कहूँगा एक कॉटन का साफ कपड़ा लेके आ जाए, और जहाँ वुंड है, जहाँ पे घाव है, उस जगह पे लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडरवियर भी तो उसके ऊपर चिपकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप एक साफ कपड़ा लगा लीजिए, और अगर हद से ज़्यादा आ रही है तो टाइम टू टाइम उसे चेंज करिए। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये सब बात करने में लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, घबराने की कोई शर्माने की बात नहीं है, आप सब खुल के बात करिए। और अगर है तो अपने घर वालों को बताइए, अगर आप शादीशुदा हैं अपनी वाइफ को बताइए, ऐसी कोई ये शर्मिंदगी वाली बीमारी नहीं है, किसी को भी हो सकती है। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, जैसा कि देखा मैंने अभी लगा ली है। तो मैं ये कहूँगा गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट और बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगाएं। थैंक यू दोस्तों।